गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज भी असी लाइव दे विच असी डिस्कस करांगे अपने वेरियस क्वेश्चंस दे नाल। ठीक है, तो लेट्स गेट टुगेदर। जल्दी जल्दी सारे इकट्ठे हो जाओ तां जो फटाफट असी अपना लाइव जेहड़ा हैगा सेशन स्टार्ट करिए। तो अज दे विच सेशन दे विच असी स्टार्ट करने हैं अपने क्वेश्चंस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स आपा। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़े क्वेश्चंस तुहाडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे विच आउंदे रहे ने। ठीक है, ते वारी वारी थानू हर एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। ठीक है, ते एक वारी तुसी रिप्लाई करके मैनू दस दियो भी ऑडियो वीडियो सही आ। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन। जल्दी एक बार मैनू रिप्लाई कर दियो भी ऑडियो सही आ। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट अवर लाइव सेशन। अज असीं बहुत सारे क्वेश्चंस दी गल करन वाले हाँ। ठीक है, पंजाब दी जीके दे विच यही क्वेश्चंस स्टूडेंट्स थोनों वारी वारी जिहड़े हैगे जिन्ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने उन्हां दे विच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे विच। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जे तुसीं किसी एग्जाम दा चकूंगे, चाहे वह पटवारी आ, चाहे वह नायब तहसीलदार है, चाहे वह थोड़ा अपना PSPCL है, PSTCL है। ठीक है, कोई भी एग्जाम है वो पॉइंट ऑफ व्यू के नाल यही क्वेश्चन थोनों बारी बारी पूछे गए हैं। इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अज का लाइव सैशन बहुत इंपोर्टेंट है जिद्द असी कवर करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, अगेन जो तुम साढ़े रिकॉर्डेड लैक्चर्स पूरी GS के पंजाब की GS के नाल एक्सेस करना है तो अभी साढ़े कृष्णा टैक्नीकल पाठशाला की एप्लीकेशन से जाके इनरोल कर सकते हो, तो पूरे जोड़े रिकॉर्डेड लैक्चर्स हैं एक्सेस कर सकते हो। किसी भी लैक्चर से थोड़ी PDF की रिक्वायरमेंट हैगी है। ठीक है, देन यू विल गेट इट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो लेट स्टार्ट अवर सेशन। आज दे सेशन दे विच असी गल करांगे, किहदी गल करांगे, असी क्वेश्चंस दी गल करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस दी गल करनी है असी। चलो लेट स्टार्ट इट। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन हैगा है साडा, व्हाट इज द वेयर इज द साइंस सिटी सिचुएटेड। साइंस सिटी सिचुएटेड कितने आ? ये स्टूडेंट्स जलंधर विखे सिचुएटेड है। ठीक है, जलंधर दे विच ये सिचुएटेड है, जिहड़ा तुहाडा पहला ऑप्शन है। एनीबडी विजिटेड साइंस सिटी? ठीक है, बिल्कुल मेन रोड से सिचुएटेड है जलंधर सिटी। ठीक है, जिहड़ी साइंस सिटी है तुहाडी वो जलंधर दे बाईपास ते लोकेटेड है जी। ठीक है, लोकेशन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन साढ़े को हैगा, वेयर इज द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। मैनचेस्टर ऑफ पंजाब देखो किनू कहा जाता है, लुधियाना कहा जाता है। लुधियाना का एक अपना एक जिहड़ा हैगा या जोग्राफिकल लोकेशन भी हैगी है इंपोर्टेंस यह, ते यह बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव नाल जिहड़ी इंपोर्टेंट हैगी है लोकेशन लुधियाना। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहा जाता है लुधियाने में। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ पंजाब किनू कहा जाता है? लुधियाने नू कहा जाता है। तुसी माइंड दे विच ये सारी चीज़ां रखनी है। ठीक है, नैक्सट जिहड़ी असी गल करांगे, नैक्सट गल हैगी है साडे कोल, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पंजाब। अगेन लुधियाने का नाम सब तो उत्ते आता है। ठीक है, पॉपुलेशन के लैवल पर भी सब तो उत्ते लुधियाने का ही नाम है।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਸਿਟੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਐਗਜਿਸਟੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? 1 ਨਵੰਬਰ 1966। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਅਟੈਂਡਡ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਬਹੁਤ 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 ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ GS ਕਵਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ GS, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ SGB ਸਟੈਬਲਿਸ਼? SGB ਕਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ SGB ਜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਤੇ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਵਿਚ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਸਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗਾਰਡਨ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗਾਰਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗਾਰਡਨ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈ ਸਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਟੂ ਵਿਨ ਅ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਐਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ, ਔਰਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਦਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਪੋਨਰ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਲਜੀਤ ਸੰਧੂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਲਾਹੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ। ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵੈਨ ਆਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਲਡ ਔਨ? ਜੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਡ ਸੀ 1809। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੈਪਸੂ ਮਰਜ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਪਸੂ
गलत आया है पी आई पी एस यू, ये क्वेश्चन गलत है पी ई पी एस यू। ठीक है 1956 के विच आठ जिहड़ियां स्टेट्स मर्ज हुई ये सब मैं पढ़ा चुका जीएस के विच। हु इज द पंजाबी पोएटस गिव जनपथ अवार्ड, जनपथ अवार्ड के लिए मिला जी अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। किन्ने डिवीजन ने पंजाब की? बहुत 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 सौखा प्रश्न है। डिवीजन टोटल है ठीक है स्टूडेंट्स, पंजाब का पुराना नाम ओल्ड नेम ऑफ पंजाब सप्त सिंधु, सप्त सिंधु क्यों कहते हैं सर इन सप्त दरिया वर्ग से, सप्त दरिया वर्ग सेवन रिवर्स। सप्त सिंधु बिकॉज गल करांगे असीं क्वेश्चन जिहड़ा साडे कोल सब तो पहला चीफ मिनिस्टर कौन सीगा पंजाब का, सब तो पहला चीफ मिनिस्टर सीगा जी गोपी चंद भार्गव, सब तो पहला चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब गोपी चंद भार्गव। ठीक है उस तो बाद हाउ मैनी बॉर्डर स्टेट आर देयर, बॉर्डर स्टेट उन्होंने मैं बहुत बार कराया हुआ है ठीक है, जम्मू कश्मीर हिमाचल है राजस्थान है हरियाणा है ठीक है, चार टोटल स्टेट्स ने बॉर्डर स्टेट्स। उस तो बाद साढ़े को जी है फस्ट आई पी एस लेडी, फस्ट आई पी एस लेडी ऑफ इन कह लो आप इंडिया भी हैगी है, कंट्री की भी हैगी है, तो पंजाब की भी हैगी है, जिसका नाम है किरण बेदी, सारे लिए इंस्पीरेशन है बहुत बड़ी किरण बेदी जी ठीक है, जो साढ़े सब तो पहले महिला ऑफिसर आई पी एस इंडियन पुलिस सर्विसिज उन्होंने ज्वाइन की। कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब मालवा एरिया कहा जाता है जी, कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब लिखी जाती है ठीक है। फिजियोग्राफिक रीजन में पढ़ाते हैं जिसे मैं थोड़ा ये चीज़ दस चुका हूँ ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन जो है वेयर इज द सिख हैरीटेज कॉम्पलैक्स सिचुएटेड, सिख हैरीटेज कॉम्पलैक्स साहब है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, थोड़ा गैप आ गया थे लेडी चीफ मिनिस्टर है रजिंदर कौर पठानिया जी, और सब तो पहले साड़ी पंजाब की लेडी चीफ मिनिस्टर रही है, सब पहले पंजाब की लेडी रही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रेट आ गया पंजाब का लिटरेसी रेट की है ठीक है, तो 75.8% पंजाब का लिटरेसी रेट होता है 2011 की गणना के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, राजपाल कौन सी सब तो पहला पंजाब का चंदूला त्रिवेदी, चंदूला त्रिवेदी सी जिहड़ा सब तो पहला साडा डेप्टी फर्स्ट डेप्टी कमिश्नर लेडी, लेडी सी डेप्टी कमिश्नर पंजाब की केड़ी सी विनी महाजन
आईएएस ऑफिसर। उसके बाद व्हेन पंजाबी एस्टैब्लिश हुई सी 1960 ईस्वी के विच, ठीक है। सिख हैरीटेज कंपलैक्स, अगेन ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, जेडे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ने। नैक्सट असं गल करते हैं, नैक्सट साढ़े को क्वेश्चन, हु इज द फस्ट पंजाबी नॉवलिस्ट टू गैट जनपथ अवार्ड। अगेन सब तो पहला नॉवलिस्ट से जिन्होंने जनपथ अवार्ड मिला, ठीक है। उसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज मोस्ट मोस्ट पॉपुलर, अगेन लुधियाना नाम आता है मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लुधियाना सब तो अगे है। उसके बाद लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब, अगेन लुधियाना का नाम आता है लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब दे जी असं गल करिए लुधियाना अगे होगा, ठीक है। रूट है ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਫੂਡਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਫੂਡਰ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੂਡਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਰਲੀ ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਜਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਰ। ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ अपडेट हो गया होंगे जेड़ा भी डाटा मैं मतलब कि वो चेंज हो जाना 2011 के हिसाब से सारे आंसर दिते हुए हैं, ठीक है। हूँ अगला क्वेश्चन हैगा या भी एनेक्सेशन कदों हुई सी पंजाब की ब्रिटिश रूल के नाल, ठीक है, 1849 ब्रिटिश रूल के नाल। नैक्सट क्वेश्चन है जोड़ा है एस जी पी सी इस्टैबलिश कदों की 1925-1920, ये मैं तुम्हें पहला रिपीट भी हो गया, वैसे 1925 का आंसर है 1920 हुई, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर। पंजाब, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ पंजाब किन कहने जी असी और नेम ऑफ द स्टेट है, ठीक है, ऑफ फाइव रिवर नेम ग्राम लीड ऑफ फाइव रिवर नाम फाइव रिवर नाम कहने हैं पंच का पंच इन आंसर होगा डी डी अंदर, ठीक है, पंच नाम पंच मतलब पंच पंजाब किधर विच रिच है जी, कादे विच रिच पाया जाता है पंजाब, ठीक है, आंसर है रोक साल्ट दे विच फिजियोग्राफी की वजह ना इनू मतलब यही कहा जाता है रोक साल्ट की वजह पाया जाता है। विच इज द स्टेट ट्री, स्टेट ट्री केड़ा पंजाब दा शीशम, शीशम नाल जी नेक्स्ट एनिमल चल गया, एनिमल हैगा ब्लैक बक, ठीक है, एनिमल स्टेट एनिमल की असं गल करिए ब्लैक
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, स्टेट बर्ड पंजाब इस बाज नू कहने हैं जो स्टेट बर्ड है पंजाब। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम केड़ी है पंजाब की, एनीबडी कोई दस सकता है? ओके गगन, बफरिंग हो रही है तो प्लीज अपना दोबारा। गगन एक बार अपना एक बार लिंक ना छोड़ के YouTube बंद करके दोबारा चलाओ बेटा, फिर क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये बफरिंग इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन लीव एंड ज्वाइन इट अगेन। ठीक है, बफरिंग की बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर एक चीज़ हो रही है तो यू कैन ज्वाइन द लिंक अगेन, फिर क्लियर हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई। ठीक है, फिर बहरहाल असं नैक्सट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नैक्सट क्वेश्चन हैगा साडा, नैक्सट क्वेश्चन केड़ा साडे कोल, मोस्ट पॉपुलर गेम पूछा गया हैगा पंजाब दे। मोस्ट पॉपुलर गेम सारे नु पता है जी, कबड्डी है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धर से भी सारे ने कबड्डी का नाम जोड़ा हैगा टॉप लिस्ट पे किया। ठीक है, अगेन कबड्डी आ जाती है साढ़े को जो सबसे फेवरेट। टोटल नंबर ऑफ सीट्स किनिया लोक सभा दी है पंजाब च? 13 हैगियां ने लोक सभा सीट्स ते विधानसभा दी सीट्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन पंजाब विधानसभा। ठीक है, पंजाब विधानसभा दी टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन पंजाब विधानसभा किनिया है साढ़े को? 117 है। ठीक है, ऑल राइट, तो विधानसभा की सीट साढ़े को ठीक है 117 ने, तो साढ़े को एक हाउस है, वन वन हाउस ओनली। ठीक है, वन हाउस मतलब साढ़े को जोड़ा है यूनिकैमरल हैगी साढ़े को। ठीक है, यूनिक कैमरा मतलब है। ओके ग्रेट, ठीक है गगन, मतलब एक हाउस है। ठीक है, एक हाउस है तां ऐसी यूनी कैमरल जिहड़ी हैगी है साडे कोल, जिहड़ी स्टेट लैजिसलेटिव असैम्बली है, मतलब साडे कोल इको हाउस है। तां एक गल इत्थे क्लीयर हो जाती है कि जिहड़ा साडा यूनी कैमरल है, मतलब जिहड़े साडे दो हाउसेज आ, किवें डिसाइड हुंदे आ? ओह डिसाइड हुंदे साडी पॉपुलेशन वे, मतलब जिवें साडी पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब इह कि जदों पॉपुलेशन ज्यादा है साडे कोल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होणगे, साडे जिहड़ी हाउस होगा बाइकल होगा दो हाउस होगा। पंजाब दी गल करी एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, इह स्टेटां दे विच सारी स्टेटां दे विच की है बाइकल है, क्यों? क्योंकि उत्थे दी पापुलेशन ज्यादा है। ठीक है, पापुलेशन रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा दो सीट दे विच, मतलब दो हाउस होंगे इट इज बाइकल। हुण साडे कोल करी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं होगा, टोटल सीटा वो अपने विच हैगी ने 117 टोटल। तो आज की गल रही टोटल नंबर ऑफ सीट्स पंजाब विच राज्यसभा दे विच कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं? 7 नंबर ऑफ सीट्स हैं पंजाब दे। ठीक है, उस तो बाद है गोपी चंद पारूगा, ये मैं तुम थोड़ा पहला भी यही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पंजाब चंदू लाल त्रिवेदी, ये भी मैं थोड़ा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स
ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਠੀਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਲੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਹੋਪ ਸੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂਸਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਲ ਐਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਟਮਾਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਵਨ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।